नमस्कार दोस्तों, टीवी हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको डायबिटीज से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे डायबिटीज क्या है, डायबिटीज के कितने प्रकार है, इस बीमारी में आपको किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं और इन लक्षणों को पहचान कर आप इसका उपचार और बचाव कैसे करें। इतना ही नहीं, डायबिटीज में आपको कौन से जरूरी टेस्ट करवाने चाहिए, इस बारे में भी हम बात करेंगे, तो बने रहे अंत तक। दोस्तों, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो हाई ब्लड प्रेशर के लेवल पर निर्भर करती है और तब रक्त में बेहद अधिक ग्लूकोज होने लगता है और ब्लड ग्लूकोज, जिसे ब्लड शुगर के नाम से भी जाना जाता है, वे किसी भी व्यक्ति में बहुत अधिक हो सकता है, तभी से डायबिटीज कहा जाता है। साथ ही हमारे शरीर में इंसुलिन नामक एक हार्मोन होता है जो ग्लूकोज को हमारी कोशिकाओं में पहुंचाने में मदद करता है, जिससे कि ऊर्जा प्रदान की जा सके। साथ ही आपको बता दें कि डायबिटीज में टाइप 1, टाइप 2 और गर्भवती डायबिटीज जैसे विभिन्न प्रकार की डायबिटीज होती है। जब कोई व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित होता है तब शरीर इंसुलिन नहीं बनाता और इस प्रकार ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं जाने से असफल रहता है, जिससे कि वह हमारे ब्लड में बना रहता है। ये बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल या ग्लूकोज का लेवल आंखों को नुकसान, किडनी को नुकसान, हृदय को नुकसान आदि जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दे तो डायबिटीज एक गंभीर स्थिति का रूप ले लेती है, जबकि डायबिटीज का कोई परमानेंट इलाज नहीं है। तो चलिए अब हम डायबिटीज के इन तीन प्रकार के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। तो पहला है टाइप 1 डायबिटीज। इसमें आपके पैनक्रियाज में हार्मोन इंसुलिन बनना बंद हो जाता है और इससे हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। इसे वायरल इन्फेक्शन से जोड़कर भी देखा जाता है और इसमें लगभग 10% लोग टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज। इसमें आपके पेंक्रियास में जरूरत के हिसाब से इंसुलिन नहीं बनता या हार्मोन ठीक से काम नहीं करता है। अधिकतर टाइप 2 डायबिटीज इन लोगों में हो सकती है जिसमें मिडल एज और वृद्ध या मोटे और शारीरिक श्रम करने वाले लोग शामिल है। जेस्टेशनल डायबिटीज, गर्भावधि डायबिटीज, जिसमें गर्भवती महिलाएं इससे पीड़ित होती हैं। इसमें महिलाओं का शरीर उनके और उनके बच्चे के लिए पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन बनाना बंद कर देता है और इसके आंकड़े देखें तो 6-16% महिलाओं में जेस्टेशनल डायबिटीज से पीड़ित होने की संभावना रहती है। तो चलिए अब बात करते हैं डायबिटीज के लक्षणों की। अगर आप नीचे दिए हुए छोटी मोटी परेशानियों से जूझ रहे हैं तो समझ जाए कि आपके शरीर में डायबिटीज की शुरुआत हो चुकी है। जैसे अधिक थकान महसूस होना, डायबिटीज एक ऐसी समस्या है जिसमें आप खुद यानी कि बिना कुछ काम करे थकान महसूस करने लगते हैं, और अगर आपको तरोताजा होने पर भी थकान होने लगे तो समझ जाएं कि आप डायबिटीज के शिकार हो चुके हैं। अधिक यूरिन पास होना, किडनी खून में मौजूद अधिक शुगर को फिल्टर करने में सक्षम नहीं होती, इसलिए इस अधिक शुगर का निकलने का एकमात्र ही तरीका यूरिन का रास्ता है। प्यास अधिक लगना, अगर आपको हर थोड़ी देर में प्यास लग रही है और आप बस पानी पे पानी पिए जा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ रही है। वजन कम होना, आपका वजन तेजी से कम हो रहा है और आप खुद को थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो समझ जाएं डायबिटीज की गंभीर समस्या से गुजरने वाले हैं। घाव या चोट का धीरे से भरना, ये खून में शुगर का लेवल बढ़ने के कारण ऐसे होता है। साथ ही डायबिटीज 2 के मरीजों में लक्षण अधिक देखने को मिलते हैं। आखिरी है अधिक भूख लगना। ऐसे नॉर्मल व्यक्ति के मुकाबले डायबिटीज के रोगी को अधिक भूख लगती है। साथ ही अगर आपको अक्सर सर्दी खांसी जुकाम रहता है तो ये भी डायबिटीज के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा थकान, सिर दर्द, धुंधलापन दिखना, इम्यूनिटी सिस्टम का कमजोर होना, प्राइवेट पार्ट में दिक्कत और दिल की धड़कन तेज होना आदि डायबिटीज के शुरुआती लक्षण हैं। जब खून में शुगर लेवल कम हो तब कुछ इस प्रकार के लक्षण नजर आते हैं, जैसे बेचैनी, कपकपी, ज्यादा भूख लगना, पसीना आना, और कुछ गंभीर केसेस में यह लक्षण दिखाई देते हैं जैसे बेहोशी, दौरा पड़ना, व्यवहारिक बदलाव, शुगर लेवल कम होना। आमतौर पर डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2 से जूझ रहे मरीजों में ऐसा होता है। इसमें ज्यादातर मामले हल्के और सामान्य होते हैं। अगर हम बात करें डायबिटीज के सटीक उपचार की तो डायबिटीज का कोई सटीक उपचार नहीं है, इसलिए डायबिटीज को पूरी जिंदगी टाइप 1 डायबिटीज का मरीज बनकर रहना पड़ता है। ऐसे मरीजों को इंसुलिन लेना पड़ता है जिसकी मदद से वे अपनी स्थिति को सामान्य करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर टाइप 2 डायबिटीज के लक्षणों से बिना किसी दवा को प्रतिदिन व्यायाम, संतुलित भोजन, समय पर नाश्ता और वजन को नियंत्रित करके छुटकारा पाया जा सकता है। हम एक अच्छी डाइट की मदद से भी टाइप 2 डायबिटीज को सामान्य कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ओरल एंटीबायोटिक दवाएं टाइप 2 डायबिटीज को
बढ़ने से रोकने में काफी मदद करती है। अब बात करते हैं डायबिटीज के बचाव की। तो डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति को स्वास्थ्य से जुड़ी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन दोस्तों कुछ सावधानियां बरतकर आप डायबिटीज की बीमारी से बच सकते हैं। जैसे कि कम मीठा खाएं, शक्कर से भरी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन करने से बचें, एक्टिव रहे, एक्सरसाइज करें, सुबह शाम वॉक पर जाएं, पानी अच्छे से पिएं, लेकिन ध्यान रखें कि मीठे शरबत और सोडा वाले ड्रिंक पीने से बचना आवश्यक है। इसके अलावा आइसक्रीम, कैंडी खाने से भी परहेज करना है। वजन घटाए और नियंत्रण में रहे, स्मोकिंग और अल्कोहल लेने से बचे, हाई फाइबर डाइट लें और प्रोटीन का सेवन भी अधिक मात्रा में करें। शरीर में विटामिन डी की कमी ना होने दें, क्योंकि विटामिन डी की कमी से डायबिटीज का खतरा अधिक बढ़ जाता है। तो चलिए अब आते हैं डायबिटीज के लिए जरूरी टेस्ट कौन कौन से हैं। आज से कुछ समय पहले तक डायबिटीज रोगियों के शरीर में ग्लूकोज के स्तर की जाँच करने के लिए यूरिन की जाँच करवाई जाती थी, लेकिन आज के समय में यूरिन की बजाय ब्लड टेस्ट किया जाता है। ब्लड टेस्ट के जरिए परिणाम एकदम सटीक देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि डायबिटीज जहां दुनिया भर में हर एक परिवार में कोई ना कोई इस बीमारी से जूझ रहा है, और डायबिटीज होने के कई शुरुआती लक्षण भी उनमें दिखाई देते हैं, और वे इन छोटी मोटी शारीरिक समस्याओं को इग्नोर करने लगते हैं, तब बाद में ये आगे चलकर गंभीर रूप ले लेती है, तब उनको इंसुलिन पर अपनी पूरी जिंदगी बितानी पड़ती है। इसलिए AgVa हेल्थ केयर ने इंसुलिन इंजेक्शन से छुटकारा दिलाकर डायबिटीज रोगियों के लिए कंप्यूटराइज्ड इंसुलिन पंप तैयार किया है। दोस्तों ये भारत की पहली कंपनी है जिसने इंसुलिन पंप तैयार किया था। जी हाँ दोस्तों, इंसुल बाय AgVa, जो सही कीमत, कम खर्च और नई तकनीकों के साथ आपको मिल रहा है। ये इतना अफोर्डेबल है कि इसको एक आदमी बिना किसी स्ट्रेस के खरीद सकता है। AgVa हेल्थ केयर ने सबकी जरूरतों को देखकर इसे तैयार किया है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके मन में कुछ सवाल हो तो हमें कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।